हाय किड्स, हाय सर। आज हमने सोखना है दशमलव का जोड़। दशमलव या भिन्न एक ही है, हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। किसी भी दशमलव संख्या को आप भिन्न में बदल सकते हो या किसी भी भिन्न को आप दशमलव में बदल सकते हो, ठीक है। अब देखो, भिन्नों का जोड़ और नॉर्मल जोड़ में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। अब देखो, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सीखते हैं। हमने एक संख्या लिखी 0.21 प्लस 2.1356 प्लस 4.21985, ठीक है, ठीक है। दशमलव के जोड़ में आपको ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना है, मतलब दशमलव की पूरी एक लाइन आएगी, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं ये? तीन संख्याएं हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम 0.21। अब देखो, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, एक दशमलव लगा लो, तीसरा भी दशमलव लगा लो, लाइन भी खींच दो और यहाँ भी दशमलव लगा दो आंसर में। क्लियर है, हो गया दशमलव तो क्लियर हो गए। अब क्या लिखना है हमने? 2.1356। देखो 2, 1, 3, 5, 6, इसके ऊपर नीचे का ध्यान मत दो, ऊपर नीचे का बाद में देखेंगे क्या लिखना है। फिर देखो क्या है, 4.21985, ठीक है। अब देखो, इस वाली लाइन में एक संख्या नहीं है कहीं, जीरो लिख दो। इस वाले में भी नहीं है, जीरो लिख दो। इस वाले में दो जगह नहीं है, जीरो लिख दो। क्लियर है, जोड़ लो अब। 5, 14, 15, 6, 5, 6। इसका मतलब दशमलव तो पहले ही लगा देने, अगर आप दशमलव नहीं लगाओगे आपका सवाल गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है, yes, एक दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 6.15 प्लस 0.215 प्लस 12.82, ठीक है। लिखें क्या? 6.15। अब क्या करें? पॉइंट लगा लेते हैं पहले, लग गए 3 पॉइंट्स। अब क्या है? 0.215। हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर इधर वाली पूर्ण, ये वाली जो संख्या है दशमलव से पहले वाली, यहाँ से शुरू करनी है लिखनी 0, 0। अब है 12.82, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, 5, 8, 1, 9, 1। क्लियर है, ठीक है। एक और करें, हमने लिखा 126.05 प्लस 6.2315 प्लस 12.0015। क्लियर है, yes, क्या लिखें पहले? 126.05, फिर पॉइंट। क्लियर है, आप बताओ 6 कहाँ पे लिखें? 6 के नीचे 6, 2, 3, 1, 5। अब 12, 12, 0, 0, 1, 5। जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले तो आपको साफ साफ लिखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ पर अगर तीन संख्याएं हैं तो आपको तीन पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर चार संख्याएं हैं आपको चार पूरी करनी है, पांच है पांच पूरी करनी है, 0, 0 बड़ा बढ़ा के बताओ। 0, 0, 3, 8, 2, 4, 1। क्लियर है, yes, sir. क्या नहीं है? Yes, sir.